दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए चैनल गार्डन गैलरी में। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, प्लांट्स लगाना आपको पसंद है, तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो मैंने उस पर बनाया है, वेस्ट मटेरियल पर, खाली बेकार पड़े डब्बों पर, जिसका हमको यूज नहीं करते हैं, जिन्हें फेंक देते हैं, उन चीज़ों में भी प्लांट्स को कैसे ग्रो करें, उसी पर ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया है। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सब तेल का कंटेनर है, उसमें मैंने ये देखिए हिबिस्कस का प्लांट लगाया है, गुड़हल, ये देखिए, इसे मैंने कटिंग से ही इसमें ग्रो किया है। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसे बड़े गमलों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे तेल के कंटेनर हैं और ये इसे मैंने रोज़ प्लांट ग्रो किया है। ये देखिए कितने अच्छे से ये इसमें कली भी लग रही है रोज़ में, देखिए बड़ भी आया है। ये रोज़ प्लांट है और ये सारे तेल के कंटेनर में ही लगे। अरे आप देखिए, ये छोटा सा आइसक्रीम का डब्बा है, इसे मैंने एलोवेरा प्लांट ग्रो किया है। ये छोटे से प्लांटर में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। और देखिए ये, देखिए ये सिंगोनियम का प्लांट है, इसे मैंने कलर करके अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। आप भी ऐसे छोटे छोटे प्लांटर में प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और ये भी एक तेल का कंटेनर है जिसे मैंने सिंगोनियम ग्रो किया है। और ये देखिए, ये कितने अच्छे से ग्रो भी हो रहा है, देखिए ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये है, देखिए इसे मैंने कलर नहीं किया है तो ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये अच्छे से ग्रो कर रहा है, देखिए। ये है, ये हॉर्लिक्स का डब्बा है, उसे मैंने ये लगाया है, इसे मैं बाद में पेंट कर दूँगी। और देखिए ये भी तेल का कंटेनर है, इसमें मैंने गुलाब की कटिंग लगाई है, इसे अभी मैंने ग्रो होने के लिए छोड़ दिया है। ये अभी ये फरवरी मार्च में अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और इस डब्बे में भी मैंने एलोवेरा को ही ग्रो किया है, छोटे से डब्बे में। एलोवेरा छोटे से प्लांटर में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। और ये देखिए, ये भी एक वेस्ट मटेरियल था, इसे मैंने कलर कर दिया है और इसमें करी पत्ता लगा दिया है। ये बाद में थोड़ा और अच्छे बड़ा हो जाएगा तो इसे मैं बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। ये सब इसलिए, मतलब छोटे डब्बों में लगाकर आप इसे ग्रो कर सकते हैं, फिर बाद में बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये भी एक डब्बा है, इसे मैंने कलर कर दिया है और इसमें एलोवेरा, ये देखिए एलोवेरा, ये सारे में एलोवेरा है, ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये देखिए, ये पेप्सी की बोतल है, इसे मैंने कलर नहीं किया है अभी। इसमें स्पाइडर प्लांट, ये देखिए स्पाइडर प्लांट भी अच्छे से इसमें ग्रो हो रहा है। आप भी ऐसे डब्बों में, छोटे छोटे डब्बों में, इस तरह के डब्बों में या ये बोतल्स में स्पाइडर प्लांट्स लगा सकते हैं। ये अच्छे से ग्रो हो जाता है, छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाता है। ये भी एक एलोवेरा है और देखिए इसमें भी मैंने, ये तेल के कंटेनर में भी मैंने कड़ी पत्ता लगा दिया है। और ये स्पाइडर प्लांट, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना अच्छे से स्पाइडर प्लांट इसमें ग्रो कर रहा है ये डब्बों में। आप भी ऐसे ही अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, छोटे छोटे डब्बों में इन चीज़ों को लगाकर, और ये अच्छे से ग्रो भी करता है इसमें। और एक चीज़ मैं और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये प्लास्टिक के ऐसे बेकार पड़े प्लास्टिक की थैलियों में भी मैंने प्लांट को लगा दिया और ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, देखिए। ये ड्रेसिना का प्लांट है,
ये इसमें भी अच्छे से चल रहा है। और ये देखिए, ये पेंट की बेकार पड़ी बाल्टी है जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है, और मनी प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखिए इसमें नई ग्रोथ हो रही है। इस मनी प्लांट को मैंने मॉस स्टिक पे चढ़ाया है इस तरह। इस ये बाल्टी बकेट में भी आप, पेंट के बाल्टी में भी आप इसे लगा सकते हैं। और एक और देखिए, ये देखिए, ये छोटा सा डब्बा भी पेंट का है। इसमें मैंने ड्रेसिना का प्लांट लगाया था, फिलहाल ये कट हो गया है, फिर से ग्रो करेगा। ये सारे प्लांटर लगाने का मेरा यही रीज़न था कि मैं आपको बताऊं कि आप गार्डनिंग की शुरुआत इन डब्बों से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन सभी डब्बों में प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है और चलता भी है। अब मैं इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। कुछ प्लांट को शिफ्ट नहीं करूंगी और कुछ को कर दूंगी। जैसे कि ये सिंगोनियम का प्लांट है, देखिए ये इसमें भी अच्छे से चल जाएगा। ये छोटे छोटे प्लांटर में और डब्बों में, बड़े प्लांटर में भी चल जाता है, लेकिन ये रोज प्लांट, हाइबिस्कस प्लांट, ये बड़े पॉट में आएंगे। ये काफ़ी छोटा था, इसे मैंने इसमें ग्रो किया है। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। वो वीडियो मैं आपको, जब मैं शिफ्ट करूंगी वो वीडियो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। ये देखिए, ये छोटा सा पेंट का डब्बा है जिसे मैंने अच्छे से कलर कर दिया है। और इसमें मैंने छोटा सा स्नेक प्लांट, ये स्नेक प्लांट का बेबी प्लांट था जिसे मैंने इस डब्बे में ग्रो किया। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें भी ग्रो हो रहा है। फरवरी और ये मार्च का जो मंथ है वो सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट ग्रोइंग मतलब टाइम होता है, इसलिए आप भी इस टाइम में अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छे से इन छोटे छोटे प्लांट्स में, प्लांटर्स में छोटे छोटे प्लांट्स को लगाकर अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।